ओके नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकंड द चैरिटीज. चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर लिए हैं सारे. यस क्वेश्चन 1 to 5. देयर इज ओनली 5 क्वेश्चंस. ओके ओके Now we start English chapter number 2, the cherry tree. Okay, first is extract A. Read the lines from the story and answer the questions. The lines आपको दी हैं उस story की, उसको पढ़ के आपको questions के answers देना. Okay, first, don't draw it, said grandfather. Don't draw it, said grandfather. A. What does it in the above sentence mean? जो ऊपर sentence लिखा है उसमें it का meaning क्या है? Small cherry tree. It किसको describe कर रहा है? Cherry tree को describe कर रहा है. It refers to the small cherry tree. यश अनम्यूट योरसेल्फ. वेट, इसमें आपको मेरी आवाज नहीं आएगी अगर मैंने आपको अनम्यूट किया. देन इसको आप एक्सपेक्ट को आप पहले समझ लीजिए, वहीं आपको रिपीट करना है. मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रही हूँ अभी. ओके अभी फर्स्ट इज व्हाई डज इट इन द अबाउ सेंटेंस मीन, कि इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? स्मॉल चेरी ट्री. इट रिफर्स टू द स्मॉल चेरी tree. Repeat it. It refers to the small cherry tree. Okay. B. To whom does grandfather say that? ये line grandfather किसको बोल रहे हैं? राकेश को. उनका जो grandson है राकेश को बोल रहे हैं. तो answer is that grandfather says that to his grandson राकेश. ठीक है, वो ग्रैंडफादर जो है राकेश को ये बोल रहे हैं. ओके ओनली टू ए एंड बी. फर्स्ट में टू है, फर्स्ट में ए एंड बी. ओके फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? इट किसको रिफर करता है? स्मॉल ट्री को, स्मॉल चेरी ट्री को रिफर करता है. और बी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्रैंडफादर ने लाइन किसको बोली? उनके ग्रैंडसन को बोली. ओके ग्रैंडसन कौन था उनका? राकेश. ओके All of it clear first one, then comes up. Comes up fast. Okay, easy. बहुत easy है. Okay. लाइन आपको दी एक्सट्रैक्ट में, उसके दो क्वेश्चन है ए और बी के आंसर देना है आपको. और आंसर्स बहुत इजी. ओके नाउ वी मूव टू आवर सेकंड वन. इट विल ग्रो अगेन चेरी ट्री आर का. ये वापस से ग्रो करेंगे. हाँ थोड़ा चेरी ट्री को ग्रोन अप होने में टाइम लगता है, टफ होता है, लेकिन ये ग्रोन अप हो जाएंगे. ये किसने कहा था? ग्रैंड फादर ने कहा था राकेश को. ओके अगर आपके आंसर में यहां मिस्टेक है देन करेक्ट इट. ओके ग्रैंडफादर सेज दैट टू, नॉट रोहन, इट्स राकेश. ओके ग्रैंडफादर सेज दैट टू राकेश, ये लाइन राकेश को बोली थी उसके ग्रैंडफादर ने कि जो चेरी ट्री है वो वापस से ग्रोन अप हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये वापस से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. ओके ग्रैंडफादर सेज दैट टू राकेश.
सेकेंड, इन व्हाट सिचुएशन इज दिस सेड, आंसर द क्वेश्चन. अब ये लाइन किस टाइम पे बोली थी आपको याद है, चैप्टर के एंड में जब वो गॉट जो है उसका ट्री खा जाती है, चेरी ट्री, ठीक है, सारी लीव्स खा लेती है, तब ये ग्रैंड फादर ने लाइन बोली थी. ठीक है, चैप्टर के एंड में जब बोला था कि जो गॉट है वो आती है उसके चेरी ट्री की जो लीव्स है और ब्रांचेस है वो क्या कर लेती है, खा लेती है, तब ग्रैंड फादर उसको ये बोलते हैं कि ठीक है तुम टेंशन मत लो कि वापस से क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा. ठीक है, अब गॉट ईट्स द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द स्मॉल चेरी ट्री. जो गॉट है उसने क्या करी थी, जो लीव्स हैं और ब्रांचेस जो हैं चेरी ट्री की वो क्या कर ली थी, ईट कर ली थी, खा ली थी. ओके, सीइंग दैट राकेश अपसेट अबाउट दिस, और ये देख के राकेश क्या हो गया था, अपसेट हो गया था, ग्रैंड फादर कंसोल हिम बाय सेइंग दैट. और ग्रैंड फादर ने ये लाइन बोल के उसे क्या किया था, कंसोल किया था, उसे मनाया था, टेरिटरी है वो वापिस क्या हो जाएगा, ग्रोना हो जाएगा. ओके, अ गॉड इज द लीव्स, रिपीट द लाइन, a god eats the leaves and branches of the small cherry tree and branches of the small cherry tree a god eats the leaves and branches of the small cherry tree Seeing that Rakesh upset about this, grandfather consoled him by saying that. Okay, all of you clear second extract? सेकेंड एक्सपेक्ट आपको समझ में आया, इट इज ऑल्सो इजी, ऑल ऑफ यू क्लियर देन थम्स अप. ओके, answer the question. Now start answers the very good question. Answer the question का meaning, तो question दिया उसका क्या देना है, answer देना है आपको, कहीं भी आंसर द क्वेश्चन लिखा है मीन्स आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. फोर्थ क्लास में है हम, ओके, डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट, व्हाट डिड राकेश बॉट ऑन हिज वे होम, जब राकेश घर जा रहा था तब उसने क्या बॉय किया, फ्यू चेरीज, चेरीज ली थी उसने. ओके, राकेश बॉट ब्रॉट अ फ्यू चेरीज ऑन हिज वे होम, राकेश ब्रॉट अ फ्यू चेरीज ऑन हिज वे होम. यश अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Great. And Gaurav, unmute yourself. Okay, repeat that. Rakesh brought a few cherries on his way home. Rakesh bought a few cherries on his way home.
Rocket brought a few cherries on his way home. Rocket brought a few cherries on his way home. Rakesh brought a few cherries on his way home. Rakesh brought a few cherries on his way home. Rakesh brought a few cherries on his way home. Rakesh brought a few cherries on his way home. On his way home, okay? All of you clear first one? It is just one line answer. All of you clear? Then thumbs up. First one is clear to you? Okay. How long did it take him to reach home? How did it take him to reach home? राकेश को अपने घर पहुंचने में कितना टाइम लगता था? ओके, इट टुक राकेश अबाउट हाफ एन आवर टू रीच होम. कितना लगता था राकेश को घर पहुंचने में? हाफ एन आवर लगता था. ओके, क्या लगता था राकेश को घर पहुंचने में? हाफ एन आवर लगता था. इट मीन आधा घंटा उसको घर पहुंचने में लगता था. ओके, अनुष्का अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. मैम फर्स्ट वाला. वेट, गुंजन. सेकेंड वन, इट टुक राकेश. रिपीटेड. अनुष्का अनम्यूट योरसेल्फ फास्ट. ओके, रिपीट. मैम कर दिया. इट टुक राकेश. लुक राकेश. इट टुक राकेश. टुक राकेश अबाउट हाफ एन आवर टू रीच होम. 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 इट टुक राकेश अबाउट हाफ एन आवर टू रीच होम. इट टुक राकेश अबाउट half an hour to reach home. It took Rakesh about half an hour to reach home. It took Rakesh about half an hour to reach home. Okay. जो अनम्यूट है उन्हें भी रिपीट करना. वो ये नहीं सोचे कि मैम को आवाज नहीं जा रही तो हम रिपीट नहीं करें. ओके, सेकेंड वन इज क्लियर टू यू ऑल? देन थम्स अप. आप थम्स अप फटाफट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा, है ना? आगे बढ़ना है. ओके, ओके, थर्ड वन. वेयर डिड राकेश लीव? व्हाई वर देयर वेरी फ्यू फ्रूट ट्रीज? राकेश कहाँ रहता था और जहां वो रहता था वहां पर क्यों फ्रूट के जो ट्रीज है वो बहुत कम थे या फिर थे ही नहीं? ओके, राकेश लिव विथ हिज ग्रैंडफादर एट द फूड हिल्स ऑफ द हिमालयस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूर. जो राकेश है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ हिमालय जो है की पहाड़ियां हैं वहां पर रहता था, जो मसूरी के बाहर थी वहां पर रहता था. नो प्रॉब्लम. राकेश कहाँ रहता था? अपने ग्रैंड फादर के साथ हिमालय की तरफ जो है पहाड़ी की तरफ पहाड़ी इलाकों की तरफ रहता था, जो मसूरी के बाहर था. देयर वर वेरी फ्यू
fruit trees there because the soil there is stony and dry cold wind stunted the growth of the most plants. अब वहां पर इसलिए फ्रूट के ट्रीज कम होते थे बिकॉज जो वहां की सॉइल थी वो बहुत बेकार थी, बहुत ज्यादा ड्राई थी, ठीक है, जिससे जो ट्री है, जो प्लांट्स है, उनकी ग्रोथ, उनका बढ़ना नहीं हो पाता था, ठीक है. वहां पर जो जमीन थी बहुत बेकार थी, उसके ऊपर सॉइल जो थी वो बहुत बेकार थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई थी. उसके ऊपर कोई भी प्लांट क्या नहीं कर पाता था, जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाता था. इसलिए वहां पर जो फ्रूट के ट्रीज है वो बहुत ज्यादा कम हुआ करते. ओके, मारिया अनम्यूट योरसेल्फ. लावण्य अनम्यूट योरसेल्फ. मारिया अनम्यूट फास्ट. ओके, रिपीट द लाइन. राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर. 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 एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय. एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय. एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय. At the foothills of the Himalayas. On the outskirts of Mussoorie. 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 Rakesh lived with his grandfather. 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 At the foothills of the Himalayas. At the foothills of the Himalayas. At the foothills of the Himalayas. At the foothills of the Himalaya. On the outskirts of Mussoorie. 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 There were very few fruit trees there. There were very few fruit trees there because. There were very few fruit trees there because the. There were very few fruit trees there because. There were very few trees there because. The soil. There were stony and dry, the dry cold winds. There was stony and the dry. Cold winds. There were stony and dry cold winds. There was stony and dry cold winds. Stunted the growth of most plants. 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 The soil there was stony and dry cold winds. The soil there was stony and the dry cold winds. The soil there was stony and the dry cold winds. The soil there was stony and the dry cold winds. Stunted the growth of most plants. 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 Rakesh lived with his grandfather.
Rakesh lived with his grandfather at the foothills of the Himalayas. At the foothills of the Himalayas, on the outskirts of Mussoorie. On the outskirts of Mussoorie, there were very few fruits. There were very few fruit trees. There because the soil there was stony and the dry cold winds. The soil there was stony and the dry cold winds stunted the growth of most plants. Stunted the growth of most plants. Okay, all of you clear? Then thumbs up. Third one is clear to you all, then thumbs up. Okay, good. Remaining questions will learn in our next class. Okay.